दोस्तों, अगर आप घर बैठे स्मार्टफोन एप्लीकेशन द्वारा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से लोन लेना चाहते हैं या फिर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेगा। दोस्तों, आज मैं एक लोन एप्लीकेशन की अपडेट्स देने वाले हैं। अपडेट्स क्या है ये अपडेट्स जाने बिना किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई मत करिएगा। चलिए आज हम जानते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन वर्क कर रही है, कौन सा एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है और पर्टिकुलर किस एप्लीकेशन के यहाँ पर अपडेट देने वाले हैं। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, फाइनल चुके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों, मैंने कल के डेट में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि आपको बताया था कौन कौन से एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल भी ये आता है कि फिलहाल लॉकडाउन में कौन कौन से एप्लीकेशन वर्क कर रही है, इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि 12 लोन एप्लीकेशन फिलहाल वर्क कर रही है जो कि RBI रजिस्टर्ड MBFC फर्म के जरिए से भाई लोन फंडिंग करती है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी या फिर इस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने टोटल 12 लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया है, वो अभी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही बताया है। 12 लोन एप्लीकेशन का लाइव प्रूफ दिया है तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस एप्लीकेशन ने यहाँ पर फाइनली रिवील कर दिया कि किस NBFC के जरिए से लोन फंडिंग करती है। यानी मेरा मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन ने फाइनली इन्होंने बता रखा है कि किस NBFC के जरिए से हम लोन फंडिंग करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आज अपडेट देने वाले हैं ये है मैजिक धन, जिसके जरिए से आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन 10,000 रुपए ले सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से पहले ये चीजें जांच कर ले कि वाकई में एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करे, क्या हमें यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाकई में एप्लीकेशन कितने दिन के लिए वर्क कर रही है। सब कुछ यहाँ पर प्रूफ के तौर पे आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेगा। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि मिनिमम 3,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का लोन्स प्रोवाइड कराते हैं और इन्होंने बताया है कि पर डे आपसे यहाँ पर 0.09% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। एनुअली अगर यहीं पर बात करें तो 35.77% पर एनुअल के हिसाब से भाई सालाना चार्ज करेंगे। वहीं पे बात आती है प्रोसेसिंग फी के बारे में, तो 10% से लेकर 20% तक प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जा सकता है, वो भी GST के साथ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पर हम जिस एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों बात करें ये है मैजिक धन, जिसके जरिए से आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन 10,000 रुपये ले सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है क्या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही एप्लीकेशन भाई वर्कआउट करती है। वहीं पर एलिजिबिलिटी के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है और आपकी उम्र 21 साल से लेकर 56 साल के बीच होनी चाहिए और आपका इनकम का स्रोत तो होना ही चाहिए। उसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर भाई पर्सनल लोन दिए जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि अब इस एप्लीकेशन ने क्या यहाँ पर रिवील्स किया है, किस NBFC के जरिए से लोन फंडिंग करती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनल यहाँ पर मैजिक धन ने रिवील कर लिया है कि किस NBFC के जरिए से भाई हम लोन फंडिंग करते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनट्रेड फिनक्रॉप लिमिटेड द्वारा भाई लोन फंडिंग करते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर साथ ही साथ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी भी देखने को मिलेंगे। साथ साथ इनके ऑफिशियल वेबसाइट भी दिए गए हैं, तो वहां से भी सारे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फाइनली इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया कि किस NBFC के जरिए से भाई लोन फंडिंग करती है। तो खासकर इस एप्लीकेशन का अपडेट यही था कि एप्लीकेशन ने यहां फाइनली बता चुका है कि किस NBFC के जरिए से भाई हम लोन फंडिंग करती है। अब इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा सवाल है कि इस एप्लीकेशन के जरिए से लोन लेना चाहिए फिर नहीं, कितने दिनों के लिए लोन्स प्रोवाइड करा रही है। ये तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और ओपन करके आपको दिखाएंगे कि वाकई में कितने दिनों का लोन प्रोवाइड भाई करा रही है। यहाँ तक तो हमने पता कर लिया कि किस NBFC के जरिए से भाई लोन फंडिंग करती है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये है मैजिक धन, हमारे फोन में एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है। मैं यहाँ से पहले ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा और इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पर 2,000 रुपये के फिलहाल हमें क्रेडिट लिमिट्स मिली है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। इसी तरह से अगर टाइम टू टाइम लोन को रिपेमेंट करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे 2,500 से लेकर 3,000, 3,000 के बाद 4,000 और इसी तरह से 5,000 की लिमिट्स प्रोवाइड कराई जा रही है। और अगर इसी तरह से लोन को रिपेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं तो ऐसे में 6,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। फिलहाल एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में कुछ इसी तरह से दिखाई जा रही है, पर मैं यहाँ पर जानने वाला हूँ कि वाकई में ये कितने दिनों को लोन्स प्रोवाइड करा रही है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी के लिए फिर से बता दूं, इस एप्लीकेशन के अंदर में सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही एप्लीकेशन वर्कआउट कर रही है। चलिए यहाँ पर गेट नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिटेल में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर 2000 रुपए की क्रेडिट लिमिट्स मिली है और ऐसे में यहाँ पर 14 दिनों का ही लोन टर्म प्रोवाइड करा रही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं किस्ट लोन एप्लीकेशन और रूफिलो की तरह ही एप्लीकेशन ये भी वर्क कर रही है। और फाइनली इन्होंने बता भी रखा है कि किस NBFC के भाई जरिए से हम लोन फंडिंग करते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पर देख पाएंगे बहुत ही कम चार्ज किए गए हैं, जो कि यहाँ पर 11.02 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। प्रोसेसिंग फी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे 354 रुपए लिए जा रहे हैं। लोन अमाउंट जो भी डिस्पर्मेंट होंगे 1646 रुपए हमारे बैंक खाते में क्रेडिट होंगे। और वैसे में यहाँ पर देख पाएंगे लोन रिपेमेंट करना होगा 24/5/2021 को। यदि आप यहाँ पर आज के डेट में लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन को रिपेमेंट करना होगा 2011 रुपए 2 पैसे, कुछ इस तरह से देख पाएंगे। तो भाई यहाँ पर फाइनली पता चल चुका है कि कितने दिनों के लिए भाई यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करा रही है और एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म्स के जरिए से भाई लोन फंडिंग करती है। अब मैं इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन लेकर नहीं दिखाऊंगा और ना ही इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए कहूंगा। मेरा काम है सिर्फ अपडेट देना आप सभी लोगों के लिए कि वाकई में एप्लीकेशन ये फाइनली इन्होंने बता रखा है कि किस NBFC के जरिए से भाई लोन फंडिंग करती है। तो दोस्तों ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ऐसे लोन एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल भी लोन अप्लाई ना करें जहां आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही थी कि वाकई में इस एप्लीकेशन ने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर दी है कि किस NBFC के जरिए से भाई हम लोन फंडिंग करते हैं और कितने दिनों के यहाँ पर लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे सिर्फ 40 डेज के लिए भाई यहाँ पर लोन टर्म प्रोवाइड करा रही है। तो भाई मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है समझना, सोच समझ के लोन्स के लिए अप्लाई करिएगा। और ऐसे में मैंने आपको 12 लोन एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूँ, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं जो फिलहाल लॉकडाउन में वर्क कर रही है, डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर ले। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट, अगर वीडियो पसंद आई थी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।